नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की किताब का पहला पाठ जिसका नाम है पूर्णांक, और इसी को हम अंग्रेजी में इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे विषय क्या होंगे। आज का पहला विषय होगा भूमिका, फिर पुनरावलोकन और अंत का विषय होगा पूर्णांकों का योग। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। अब पाठ का नाम है पूर्णांक, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ ही जान लेते हैं। पूर्णांक क्या है, कभी सोचा है? पूर्णांक एक प्रकार की संख्या होती है। इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे विभिन्न संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में यदि मैं बात करूं, सबसे पहली संख्या जो मेरे दिमाग में आई वो आती है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे जितनी संख्या आप गिन पाए उन सभी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और यदि इसी प्राकृत संख्या के आगे मैं शून्य लगा दूं तो इन संख्याओं का जो संग्रह अब बना वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़कर यदि मैं इसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दूं, यानी -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो अब यह संग्रह और बड़ा हो गया है। और पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब आप मिला देते हैं तो आपको प्राप्त होता है पूर्णांक। यानी पूर्णांकों में पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है। ये पूरा संग्रह जो है वो पूर्णांक कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांकों के प्रकार। अब संख्या रेखा को तो सभी ने देखा होगा, देखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखा तो आइए दिखाती हूँ। आपके सामने संख्या रेखा बनाई गई है जिसमें बीच में शून्य है। अब जब आप इस संख्या रेखा में दाहिनी ओर जाएंगे तो आपको कुछ संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो किस प्रकार की होंगी? 1, 2 और 3। इन सभी पूर्णांकों को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इनके आगे प्लस का चिन्ह होगा। अब यदि इसी संख्या रेखा में मैं शून्य के बाईं ओर चलूं तो मुझे जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो होगी -1, -2 और -3। इन सभी पूर्णांकों को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी के आगे ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह है। अब बीच में बचती है एक संख्या शून्य। शून्य ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होता और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं होता, इसको हम केवल पूर्णांक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला विषय, पुनरावलोकन। आपके सामने एक संख्या रेखा दिखाई गई है। अब इस संख्या रेखा में जैसे जैसे आप दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे संख्याओं का मान बढ़ता जाता है और ये खत्म होता है कहाँ? अनंत पर। ठीक उसी प्रकार यदि आप संख्या रेखा में बाईं ओर चलते जाएं तो जो संख्या रेखा है वो कहाँ समाप्त होती है? माइनस अनंत पर। यानी सबसे बड़ा या सबसे छोटा कोई पूर्णांक होता ही नहीं है, ये असीमित है और निरंतर रूप से बढ़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और रोचक तथ्य। अब यहाँ पर संख्या रेखा में जब आप दाहिनी ओर जा रहे हैं तो आपको दो संख्याएं मिली, 1 और 2। 1 बाईं ओर है और 2 दाईं ओर है, और 1 2 से छोटा भी है। तो यहाँ हमने देखा कि संख्या रेखा में जब भी आप दो संख्याओं को लेते हैं तो बाईं ओर वाली संख्या छोटी होती है और दाईं ओर वाली संख्या बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब आप संख्या रेखा में बाईं ओर गए तो दो संख्याएं देखी होंगी, -2 और -1। बाईं ओर संख्या थी -2 और दाईं ओर थी -1। यानी -2 जो है वो छोटा है, आप सभी जानते हैं। तो यह तथ्य जो है वो प्रमाणित होता है कि संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपने बाईं ओर की सभी पूर्णांकों से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और रोचक तथ्य कि जब आप दो संख्याओं की बात करते हैं और वो संख्याएं जो होती हैं उनके बीच में
कोई भी दूसरा पूर्णांक नहीं पाया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रमित पूर्णांकों की बात की थी 2 और 3, तो इनके बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा। परिमेय संख्या होना तो संभव है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और देखते हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों के योग में सबसे पहले हम देखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, फिर हम जानेंगे 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि 1 धनात्मक संख्या और 1 ऋणात्मक संख्या, ऐसे 2 पूर्णांकों का योग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग। यहाँ संख्याएं दे रखी हैं 4 जमा 5, तो 4 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है और 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के ही आगे प्लस का चिन्ह है, यानी दोनों पूर्णांक जो है वो धनात्मक है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो उत्तर प्राप्त होगा या परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो भी धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक उसी प्रकार आपके सामने और 2 पूर्णांक दिए गए हैं 56 जमा 73, दोनों में ही आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये भी दोनों धनात्मक पूर्णांक है, और इनका योग करने पर भी हमको धनात्मक पूर्णांक मिलता है 129, यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, -4 जमा -5। यहाँ पर -4 भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -5 भी ऋणात्मक पूर्णांक है, इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है -9। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण, -56 और -73, इन दोनों को भी जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है -129। यानी इस उदाहरणों से हमें ये सीखने को मिला कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय कि 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आपके सामने 2 संख्याएं दी गई हैं -4 और 5, 1 ऋणात्मक पूर्णांक है और 1 धनात्मक। तो आप यहाँ देखिए 4 क्या है ऋणात्मक है और 5 जो है वो धनात्मक है। यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या का मान है, यानी जो 4 वाला संख्या है वो 5 से छोटा है, तो चिन्ह जो है वो धनात्मक ही आएगा। यानी जो भी संख्या बड़ी होती है, अगर आपका धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगले उदाहरण में हमने देखा जो हमको 2 पूर्णांक दिए हैं उसमें ऋणात्मक पूर्णांक है -6 और धनात्मक पूर्णांक है 4। अब 6 जो है वो है 4 से बड़ा, तो इसलिए परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, योज्य प्रतिलोम। किसी पूर्णांक a का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो -a होता है, और इसके विपरीत -a का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो a होता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। भूमिका, पुनरावलोकन और पूर्णांकों का योग। अगले वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के बारे में और पूर्णांकों के योग के गुण के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। घर जाइए, प्रश्नावली 1.1 में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।